एक गांव में राजू नेम का लड़का रहता था। राजू आज बहुत ही खुश था क्योंकि राजू आज अपनी परीक्षा में पास हो चुका था। राजू ने आज 8वीं कक्षा की परीक्षा को पास कर 9वीं कक्षा में प्रवेश पा लिया था। राजू आज इसलिए भी बहुत खुश था क्योंकि राजू को उसके शिक्षकों ने मिलकर पूरी स्कूल के सामने बहुत ही अच्छे से सम्मानित किया था और कहा था कि राजू जैसे बच्चे बनो और उसके जैसे पढ़ाई करना सीखो। तो राजू आज घर जा रहा था, रास्ते में यही सोचते हुए जा रहा था कि आज मैं जब घर जाऊंगा और मेरे पिताजी को मैं कहूंगा कि पिताजी मैं कक्षा 9 में पास हो चुका हूं, तब मेरे पिताजी कितना खुश होंगे और मेरे माताजी कितना खुश होंगे, यही सोचते हुए वो अपने घर जा रहा था। राजू के पिताजी गाँव में किसान थे, वह फसल को उगाते थे और उस फसल को पकने पर बाजार में ले जाकर बेच दिया करते थे और उनसे आए हुए पैसों से राजू को पढ़ाते थे और घर को चलाते थे। वह बिल्कुल सीधे और साधारण इंसान थे। फिर राजू स्कूल से अपने घर लौटता है, वहाँ उसके पिताजी बैठकर चाय पी रहे थे। फिर राजू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी पिताजी आज मैं अपनी कक्षा में पास हो चुका हूँ, 8वीं कक्षा में की मैंने परीक्षा को पूर्ण करके और अब मैं कल से 9वीं कक्षा में जाऊँगा। पिताजी मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा रिजल्ट। हाँ बेटा राजू, मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा है, तुम्हारा रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा आया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज 8वीं कक्षा को पास कर कर अब 9वीं कक्षा में बैठने जा रहे हो। मेरा और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमारा नाम रोशन करते रहो। आज गांव वाले लोग कह रहे थे कि राम प्रसाद तुम्हारी जो बेटा है राजू, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर 8वीं कक्षा में पास कर चुका है, वह पूरी स्कूल में पहले क्रमांक पर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा राजू, तुमने मेरा सर घर से ऊँचा कर दिया। अगले ही दिन राजू और उसके सहपाठी समय के अनुसार 9वीं कक्षा में चले गए। अध्यापिका आई और उन्होंने अपने बारे में बताया और अपना परिचय करवाया और राजू और उनके सहपाठियों से परिचय किया और कहा, बच्चों तुम अब कक्षा 9 में आ चुके हो, अब तुम्हें बहुत अच्छे से अनुशासन में रहकर पढ़ाई करनी होगी और खेल कूद में थोड़ा कम ध्यान देकर पूरा ध्यान अपना पढ़ाई में रखना होगा, तभी तुम जाकर आगे कक्षा 10 में बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। और फिर अध्यापक और राजू के सहपाठियों ने मिलकर राजू को क्लास का मॉनिटर बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम पूरे ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारे माता पिता भी खुश रहेंगे और हमें जीवन में सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली नई कहानी में। शुक्रिया।